हाँ, मैं हूँ शशांक, BHU से, और मैं आज आप लोगों को रोज कहानी का पार्ट 3 देने वाला हूँ। पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ प्रश्नों की ओर। प्रथम प्रश्न है आपके सामने, सचिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। आपके सामने प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, सचिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। ऑप्शन है त्रिच, रोज, उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो इसका सही उत्तर बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है नीचे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अज्ञे मूलतः क्या है। अज्ञे मूलतः क्या है। ऑप्शन है निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, व्यंगकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कहानीकार। अगला प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। ऑप्शन है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फोरमन कॉलेज से, इनमें से कहीं से नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, मतलब ऑप्शन ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अब अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन है 1920, 1924, 1928, 1932। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1924। महेश्वर, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। ऑप्शन है मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मालती। अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, ये तेरे प्रतिरूप, गैंग्रीन। इसका रोज, रोज, ऑप्शन डी होगा, रोज। इसका सही उत्तर भी क्या होगा, ऑप्शन डी, रोज। मैं बताया था आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में कि जो रोज कहानी है उसको गैंग्रीन शीर्षक भी नाम दिया गया है ना। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 वर्ष। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। आप लोग जानते हैं मालती के जो पति थे एक डॉक्टर ही थे, मतलब हाँ। तो ऑप्शन है पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गैंग्रीन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालती के पति का नाम क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है और मैं बताया भी हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन है योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महेश्वर। अब अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हो सकता है पूछ दिया जाए इस बार। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन है लोक बंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आनंद बंधु। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। ऑप्शन है प्रभा, ज्योति, पत्रिका सेवा, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पत्रिका सेवा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था। ऑप्शन है आम, केला, सेब, संतरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आम। जो आम के बारे में बताया गया था उस समय कि आम जो लिपटा हुआ था, आम किस में पैक था, एक पेपर में पैक था, मतलब एक अखबार का टुकड़ा में, उसको मालती पढ़ती रह जाती है। ये आया था ना पार्ट 2 में, मैं बताया था जब चैप्टर एक्सप्लेन में मैं पढ़ा रहा था। तो हाँ, तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन है मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महेश्वर।
अब हम लोग चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 10 वर्ष। सोच लीजिए कि अज्ञेय जी कितने प्रख्यात लेखक हो गए। इनका कारण ये भी था कि ये बहुत 10 वर्ष की अवस्था में ही ये सब लिखना, मतलब कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। और आज के डेट में तो 10 साल की उम्र में बच्चों को किताब भी पढ़ना अच्छा से नहीं आता है, आप जानते ही हैं। अब तो खैर कुछ बच्चों को आने लगा है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? ऑप्शन है डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, अभियंता। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, तार सप्तक का संपादक कौन है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, धर्म भारती, कन्हैया लाल नंदन, सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अज्ञे किस बात से संबंधित है? अज्ञे किस बात से संबंधित है? ऑप्शन है छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? अज्ञेय जी का एक नाटक मैं पढ़ाया था पार्ट वन वाले वीडियो में, जब लेखक का परिचय और जीवनी जिस समय में पढ़ा रहा था। तो इसमें हाँ, इसका ऑप्शन है करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन सी। यह है अज्ञेय जी का नाटक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध रखती है? हाँ, मतलब गैंग्रीन का संबंध किससे है? ऑप्शन है पशु, देश, वनस्पति, बीमारी। इसका सही उत्तर होगा बीमारी। मैं आपको बताया भी था गैंग्रीन एक ऐसा बीमारी है जो ये जो होता है ना कांटा चुभना, जब किसी का कांटा चुभता और कांटा नहीं निकलता है तो उसमें उसी की वजह से गैंग्रीन एक बीमारी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? टिट्टी, टुट्टू, टट, डुड्डू। इसका सही उत्तर का ऑप्शन बी, टिट्टी। अगले प्रश्न को देखते हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है? इसका ऑप्शन होगा उदय प्रकाश, अज्ञेय, मलयज, मणि मधुकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अज्ञेय जी का। नदी का द्वीप जो है एक उपन्यास है। ठीक है, यह अज्ञेय जी की ही रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन है कितनी नावों में कितनी बार, बाबरा अहिरी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जिम। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन ए, कितनी नावों में कितनी बार। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म हुआ था ऑप्शन ए, 7 मार्च 1911 ईस्वी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? ऑप्शन है मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षणभर, वो सदा नीरा। इसका सही उत्तर होगा हरी घास पर क्षणभर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? ध्यान देना है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो इसका ऑप्शन है अपने अपने अजनबी, भग्न दूत, एक बूंद सहसा उछली, तिरिच। इसका सही उत्तर होगा अपने तिरिच। तिरिच जो है उदय प्रकाश का रचना है, जो एक कहानी है, ये भी बहुत ही मार्मिक कहानी है, आप लोग पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, मैं पढ़ा हूँ। रोज कहानी की नायिका है, अब अगला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है, मैं बताया था आपको इसका सही उत्तर है, ऑप्शन है मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। इसका सही उत्तर होगा मालती, मैं आपको बताया भी था ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? ऑप्शन है मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का पिता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? खड़कन मतलब बजना, मतलब टाइम जो होता है ना, 4 बजना 8 बजना 11 बजना, तो ही है। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ऑप्शन है 4 3 2 11। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11। तो 11 जब बजता है तो ये होता है, मतलब ये कहानी का समाप्ति होता है। बहुत
मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस बार आ भी सकता है। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन है पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पल्लव। पल्लव सुमिजानंदन पंत की रचना है। कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो इसका ऑप्शन होगा रसबंती, नदी के द्वीप, मंगल सूत्र, कंकाल। इसका सही उत्तर होगा नदी के द्वीप, ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रोज इनमें से क्या है? रोज जो हम लोग रोज कहानी को ही पढ़ रहे हैं, ये क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास, कांश, आलोचना कांश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कहानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेशी नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अज्ञेय। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? इसका ऑप्शन है निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीवनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपन्यास। शेखर एक जीवनी दो भागों में प्रकाशित हुआ था, एक हुआ था 1941 में, दूसरा भाग 1943 में। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन है शीला देवी, बयंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बयंती देवी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? सालवती, लीलावती, मालती, चंपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मालती। अब अगला प्रश्न है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है नामवर सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक तो फर्स्ट प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, ये लास्ट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए, जितना भी मैं पहले पार्ट को पढ़ा चुका हूँ, पहले चैप्टर को, उन सब को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा सब लिंक दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं।